तो आज कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। डीएसए तो पूरा कवर करवा दिया है, डीबीएमएस कवर करवा दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सीएन, सारा कुछ तो कवर हो गया। यार काफ़ी दिनों से ये प्रोजेक्ट के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही थी, तो ठीक है आज प्रोजेक्ट ही कवर करवा देते हैं। हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू लीड कोडिंग। आई एम फराज एंड आई एम एन इनकमिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर एट क्योरफिट। तो काफ़ी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, कौन से प्रोजेक्ट हमें रेज्यूमे में इंक्लूड करनी चाहिए। तो अब मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बता दूँ, कोई फैंसी सी चीज़ बता दूँ और आप उसको कर ही ना पाए तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। जैसे हमारी डीएसए शीट थी, उसमें मैंने सेलेक्टिव 250 क्वेश्चंस रखे थे और काफ़ी लोगों ने वो कर भी लिए। मेरे पास कमेंट आ जाते हैं कि भैया वो हमारी शीट कंप्लीट हो गई है, अब आगे बताओ क्या करना है। तो इसलिए ये चीज़ बताई जाती है, वो डूएबल भी होनी चाहिए। तो फाइनली आज मैं अपने चैनल पर इनवाइट कर रहा हूँ अर्णव भैया को। अब अर्णव भैया कौन है? अर्णव भैया है मेरे सीनियर बोथ इन DTU एज वेल एज इन क्योरफिट। तो अर्णव भैया क्योरफिट में काम करते हैं अभी। तो आज हम लोग अर्णव भैया को बुलाने वाले हैं एंड उनसे पूछेंगे उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट बनाए थे एंड कौन से प्रोजेक्ट आप लोगों को बनाने चाहिए रेज्यूमे के लिए। कोई ज़्यादा हाई फाई प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ही अलग एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसमें आपकी डेवलपमेंट स्किल्स शोकेस हो पाएँ। तो अर्णव भैया ने अपने टाइम पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना रखे थे, इसलिए चलते हैं अर्णव भैया के पास एंड उनसे पूछते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट हमें बनाने चाहिए। हाय अर्णव भैया, कैसे हो? बढ़िया यार, तुम कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो भैया मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी स्टूडेंट की कि उन्हें रेज्यूमे के लिए प्रोजेक्ट सजेस्ट किए जाएँ और मैंने सोचा कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट सजेस्ट किए जाएँ जो वो बना भी सकें, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे बढ़िया पर्सन आप ही हैं जिनको अप्रोच कर सकता था। आपने कभी कई सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं अपने टाइम में भी, आपके रेज्यूमे भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू या फिर रेज्यूमे में क्या रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट की। सो यार, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई कैन से दैट प्रोजेक्ट्स ओनली फिल अप सम स्पेस ऑन द रेज्यूमे, दे आर नॉट एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट एंड इंटरव्यूअर्स डोंट रियली फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट्स, देयर एक्चुअल फोकस इज ऑलवेज ऑन डीएसए। प्रोजेक्ट्स आर जस्ट अ स्पेस फिलर ऑन योर रेज्यूमे एंड जस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक एन आइस ब्रेकर इन सम इंटरव्यूज। And okay. It's very rare that an interviewer will actually focus on your projects. There might be some companies, not aware of many myself, but very few companies discuss projects. They mostly focus on DSA and probably your work experience if you have it. Okay. तो मैंने भी अपने चैनल पे यही बताया हुआ था कि सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एंड उसके बाद आपके पास टाइम बच जाता है, देन लुक एट योर सब्जेक्ट्स जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, DBMS हो गया, OS हो गया, क्योंकि वो MCQs वगैरह में भी पूछ लिया जाता है एंड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू भी पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद टाइम बचता है, देन यू शुड फोकस ऑन प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट को मैंने नीचे ही रखा हुआ था, लेकिन फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड, अगर किसी के पास टाइम बचता है एंड वो प्रोजेक्ट मेंशन करना चाहते हैं देन दे कैन मेंशन सम प्रोजेक्ट्स ऑन देयर रिज्यूमे। इसलिए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने ज़्यादा टाइम अपने DSA पे दिया होता है या फिर सब्जेक्ट पढ़ने में दिया होता है, उनके पास टाइम नहीं बचता कि वो अपना ML करें या फिर WebD करें या Android करें। तो स्टार्ट उन्हीं से करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले वो प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं जो कि एक ऐसा स्टूडेंट कर सके जिसने सिर्फ DSA किया हुआ है। Cool. So I think a great place to start. Many people actually work on DSA. They don't have an actual experience with, let's say, WebD or Android, maybe even ML. So DSA is a good place to start. I think there are two projects that can work with DSA. One being your, I think, Huffman Encoding. I think that's a great project. Huffman Encoding, to remind people, is about file compression. Compresses your data and obviously it should basically compress and reopen your file as well in the actual form. So this is something that we study in college. We never really apply. If you look at it, it's such a simple algorithm, you can apply it yourself and you can make a file compressor yourself. I actually did it. It's really interesting. I was able to achieve compression rates of 40-50% on average with a very, very simple algorithm. So I think this is something you can try and will look really cool on your resume. Yes. So it is the practical use of the algorithm that you learn but never use. Yeah. Okay. तो आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं अन अकेडमी के बारे में। अन अकेडमी पे आपको मिल जाती हैं ओपन फॉर ऑल क्लासेस ऑन फुल स्टैक डेवलपमेंट, सिस्टम डिज़ाइन एंड डेटा स्ट्रक्चर्स इन एल्गोरिदम। यहाँ पर आपको मिल जाती हैं बहुत सारी फ्री क्लासेस विच यू कैन एक्सेस बाय वेरीफाइंग योर मोबाइल नंबर एंड बाय यूजिंग माय रेफरल कोड FRAZ।
अब इन क्लासेस को कौन कंडक्ट कराता है? सो दीज क्लासेस आर कंडक्टेड बाई पीपल हु आर ऑलरेडी प्लेस्ड इन वेरी गुड कंपनीज सच एज गूगल, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट एंड दोज हु ऑलरेडी हैव अ गुड नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट एक्सेस टू ऑल द रनिंग बैचेज एंड ऑल द पास्ट बैचेज, यू कैन गेट द पेड सब्सक्रिप्शन. और अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, देन यू कैन यूज माई कोड FRAZ टू गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ. So there are 3 batches launching soon which are focused on problem solving, which you can definitely check out. The previews of all these batches are available. You can go to the platform and check the preview of all these batches, and agar aapko pasand aata hai then you can join these batches. The link of all these batches are there in the description, you can check it out. So theek hai, to ye to ek aapka project ho gaya. Aap ek encoder bana sakte hain Huffman encoding ko use karke, jo ki aapka ek greedy algorithm hai. फिर उसके बाद और कोई प्रोजेक्ट जो हम लोग DSA का यूज़ करके बना सकते हैं? अदर प्रोजेक्ट्स आई थिंक व्हाट यू कैन मेक इज प्रोबेबली समथिंग लाइक अ फोन डायरेक्टरी. सो मेनी ऑफ अस एक्सप्लोर ट्रूकॉलर, सबके फोन में होगा, बट कितने लोग हैं जो एक्चुअली ट्रूकॉलर खुद बना सकते हैं? यू नो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन ट्रीज और ट्राइज, इफ यू वांट टू से दैट. ओके. It's very simple, it's just a deep tree and you need to save some information in the bottom most node. So काफी interesting project है, and if you can implement it you will learn trees well. So I think that's another interesting project that you can do. All right. तो भैया ये जो project हैं ये आपने actually बना रखे हैं, आपने resume में mention किए हुए थे अपने projects. Yeah, I have actually made these projects. Okay. तो इनका क्या हमें लिंक वगैरह मिल सकता है देखने के लिए कि कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, क्या क्या इसमें यूज़ किया है आपने? या डेफिनेटली. सो आई थिंक वील पोस्ट सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन डेफिनेटली चेक टू देम. या सो वी आर गोइंग टू पोस्ट सम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डेफिनेटली जाके देख सकते हैं कि भैया ने कैसे ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे. ठीक है. और भैया मुझे याद आ रहा है कि आपने एक प्रोजेक्ट वो भी बनाया था, एक गेम बनाया था आपने, राइट? सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. ML सारे करते हैं, राइट? आजकल का फैड है कि ML करना है यार, जाके सब डाउनलोड करके पाइथन का कुछ कोड, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वगैरह लगा देते हैं. बट anyone can do that, you know. My understanding is कि if you can actually practically apply something, that's when you have a scope to learn, and that's when you can show okay, what you've learned is actually valuable at least somewhere or somehow. तो उसके लिए प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. आई ऑल्सो लर्न ML, भेड़ चाल में हमने भी सीखी. सो ML में आई थॉट यार चलो कुछ गेम में भी ट्राई करते हैं, राइट? बिकॉज इफ यू हैव अ स्मार्ट मशीन, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स आई थिंक यू कैन फाइंड ऑनलाइन, सब ने कुछ ना कुछ बनाई रखा है. गेम्स पे लोगों ने इतना काम नहीं करा हुआ, और गेम्स पे शायद सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही काम करती हैं, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स कम काम करते हैं. सो आई थॉट ओके चलो फ्लैपी बर्ड पे देखा जाए. फ्लैपी बर्ड इज़ अ वेरी वेरी सिंपल गेम. And the issue with Flappy Bird is that a human can get bored or distracted, a machine won't. Because the game is very simple. So that's when I thought, chalo yaar, reinforcement learning is a concept in machine learning, wherein the game or the player actually learns from the game while playing the game. It basically improves the decision making itself. So I made this reinforcement learning thing with the Flappy Bird, and काफी decent score. I think it plays very very well, beating many players with very simple algorithm. So that's something that in ML can definitely improve. All right, तो काफी interesting project हो जाएगा ये ML में. And I think ये same चीज हम और भी games पे लगा सकते हैं, जैसे कोई Mario भी लगा सकता है. Definitely. So I think anywhere where you have a scope to basically learn anything, even in a very simple form, I think you can definitely. ओके. तो इसके लिए तो आपको बेसिक थोड़ा ML की नॉलेज होनी चाहिए, पाइथन आना चाहिए, देन उसके बाद आपको ब्लॉग्स वगैरह रीड करने हैं एंड आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. बाकी रेफरेंस के लिए कोड तो आपको मिल ही जाएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था अबाउट DSA, तो उसमें आपको जो इंटरफेस होता है ना उसको दिखाने के लिए आप फ्रंट एंड का यूज़ कर सकते हैं, HTML एंड JavaScript का यूज़ कर सकते हैं, उसमें बैकएंड की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. राइट. आई थिंक काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है स्टूडेंट्स की कि DSA तो चलो हमें आता है, बट वेन गो फॉर मेकिंग अ फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट तो हमें यार शायद वेब आना चाहिए, शायद एंड्रॉयड आना चाहिए. बट आई वॉन्ट टू मतलब आई डेफो यू कैन मेक वेरी डिसेंट प्रोजेक्ट्स बाय फोकसिंग ऑन द DSA साइड. DSA हैवी जो है अपना एल्गोरिज्म और बैकएंड रखो, बैकएंड एज इन सिंपल योर जस्ट एल्गोरिज्म एंड जस्ट मेक सिंपल HTML CSS फाइल्स. आई थिंक HTML CSS सबको आता है, सबने पढ़ाई हुआ है, वेरी सिंपल टू मेक बटन्स, इनपुट टेक्स्ट, एवरीथिंग.
and just link your algorithm to the backend of the button. So your backend is just your algorithm, front end is just to help people interact. Because if you write something, if you make a project, it's useful only as long as people can actually interact with it. Yes. So these are very simple, easy projects that you can definitely do. ठीक है. अच्छा भैया, अब किसी ने जैसे पहले से एंड्रॉयड की हुई है एंड उसको एंड्रॉयड में कुछ बनाना है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, तो आई थिंक जो हमने प्रोजेक्ट अभी डिस्कस किए हैं ये एंड्रॉयड का यूज़ करके भी बन सकते हैं, मतलब फ्रंट एंड आप एंड्रॉयड से इसका बना सकते हैं, राइट? डेफिनेटली. सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट. द थिंग इज व्हेन यू गो फॉर एंड्रॉयड और iOS ऑल्सो, देयर ऑल्सो द ओनली डिफरेंस दैट यू फेस इज द लैंग्वेज. बाकी तो हर जगह बटन है, हर जगह इनपुट टेक्स्ट है, और बैकएंड में यू जस्ट नीड टू चेंज योर लैंग्वेज फॉर राइटिंग द एल्गोरिथम. Can implement the same thing in any language, any framework, anywhere. Yes. तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने डिस्कस किए एंड के डुएबल भी हैं, इनको स्टूडेंट जो रिमेनिंग टाइम है उसमें भी बना सकते हैं अगर चाहें तो. ओके, सो थैंक्स अ लॉट भैया फॉर डिस्कसिंग ऑल दीज प्रोजेक्ट्स एंड आई थिंक दीज प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू बी रियली यूजफुल फॉर दोज हु आर गोइंग टू सीक फॉर प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप इन द अपकमिंग सीजन. डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. आई होप आई वाज एबल टू हेल्प स्टूडेंट्स गेट देयर प्रोजेक्ट्स ऑन द पोस्ट. थैंक्स अ लॉट सर. और अगर आपको अर्नब भैया का चैनल चेक करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं. उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए थे, उसके डेमोज वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा. अब तो आपको सभी कुछ पता चल गया है, प्रोजेक्ट भी पता चल गए हैं, आपके सब्जेक्ट्स भी पता चल गए हैं. सब्जेक्ट जिसको नहीं पता लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं. तो पूरा आपको रोड मैप मिल गया आपके प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप का. ठीक है, तो जैसा कि भैया ने बताया प्रोजेक्ट लास्ट प्रायोरिटी है. सबसे पहले डीएसएल को हो जाता है सब्जेक्ट पढ़ लो, सब्जेक्ट हो जाते हैं प्रोजेक्ट कर लो. ठीक है, कुछ कंपनीज होती हैं जो प्रोजेक्ट पे ध्यान दे देती हैं, जैसे कि आपकी कोऑर्डिनेशन हो गई है, कुछ और स्टार्टअप्स हो गए. ठीक है, ये जो है आपके प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेज़न हो गया, सैमसंग हो गया, नहीं पूछते हैं प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा. ठीक है, सो मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, डीएसए की शीट एंड बाकी सारे सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा. सो थैंक यू. इफ लाइक द वीडियो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू हियर मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल.